टपो वन विच इज सिचुएटेड एट झांसी रोड इन ग्वालियर देयर इज अ नर्सरी इन टपो वन यहाँ पर उन प्लांट्स को लगाया जाता है जो, जो कम अवेलेबल होते हैं जैसे कि हर्ब्स हैं श्रब्स हैं ये सारी चीजें यहाँ लगाई जाती हैं फॉर एग्जाम्पल जस्ट बिहाइंड मी एक नींबू का पेड़ लगा हुआ है एंड लुक एट द साइज ऑफ दो लेमन और हम यहाँ बात करेंगे आंटी से जो रियली इस नींबू के पेड़ को बड़े प्यार से रखती है तो आइए आंटी आपसे थोड़ी सी बात करते हैं आंटी आपका नाम नाम क्या है पुष्पा पुष्पा तो आंटी आप यहाँ कितने सालों से रह रही हैं हो तो गए फिफ्टीन इयर्स तो ये पेड़ आप ही देख रेख करती हैं इसकी तो ये नींबू का क्या करते हैं आप लोग इसको अब हमने पेड़ लगाया इसको बीज डाल के खाद डाल के इसको मट्टी में तैयार करा इसमें फल आने लगे तो इसको तोड़ के लस्सी भी बना के पीते हैं शक्कर के साथ में तो यहाँ आपको कैसा लगता है आप इस तपोवन में रह रहे हैं चारों तरफ हरियाली है कैसा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लगता, अच्छा आपको। लगता है आपको तो ये नींबू अच्छा इसमें कुछ मतलब आपको नेचर बहुत अच्छा है इमेजिन लर्नर्स आंटी को इतना अच्छा लगता है दैट्स आई एम कि ये तपोवन बहुत एक अमेजिंग प्लेस है जब भी कभी मौका मिले यहाँ विजिट जरूर करें और तो यहाँ नींबू के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ आंवले का भी पेड़ लगा हुआ है यहाँ अमरूद का भी पेड़ लगा हुआ है ऐसे यहाँ आपको बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे जामुन का भी मिलेगा और जो नर्सरी में जिस तरीके के इन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं दे आर सो अडोरेबल एंड ब्यूटीफुल आप इसको तो पहचानी गए होंगे इनको कहते हैं आंवला जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आंवले के भी पेड़ लर्नर्स अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं आंवला के बारे में हमारी पुष्पा आंटी से आंटी तो आप क्या बताने वाली हैं आंवला के बारे में बताइए के बारे में हम ये बताना चाहते है की देसु पौधा होता है उसका बीज होता है जी जी थैली में डालते हैं जी मट्टी में जी फिर वो निकल आता है जी साल भर बाद देसु रखो तो तो देशु रखे रहो हाँ। और यदि अपन को उसको काटना है जी तो उसको काट दो जी उसको इसकी डगा लेके उसमें जोड़ दो जी तो वो ग्राफ्टिंग वाला बन जाता है तो देसु का ग्राफ्टिंग बन जाता है तो उसमें देसी में छोटे आएंगे ग्राफ्टिंग वाले में बड़े आएंगे ओके सो लर्नर्स आपने सीख लिया है ग्राफ्टिंग मेथड एज वेल जो आप लोग साइंस में पढ़ते हैं आंटी ने बहुत अच्छे से इसको समझाया है और अगर आपको रियली में आंवले देखने हैं कि यहाँ कितने सारे आंवले पड़े हैं तो आइए मेरे साथ और देखिए ये आंवले ये सारे आपको आंवले दिखेंगे नीचे आप बिल्कुल देख सकते हैं उधर भी उस तरफ भी लेकर जाए कैमरा बहुत सारे और ऊपर भी देखिए कितने सारे पेड़ों में लगे हुए हैं सो so, ये तपोवन एक ऐसी प्लेस है जो जहां पर आप नेचर को रियली फील कर सकते हो यहाँ बहुत सारे पेड़ मुझे नजर आ रहे हैं जिनमें से एक पपाया का भी नजर आया पपीता भी है वहाँ पर आप देखें पपीते का पेड़ भी देखेगा आपको उस पर कच्चे रॉ पपीते लग रहे हैं आंवला अमरूद और लेमन के अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्यूटीफुल रोज जो कि सिंबल ऑफ लव होता है बहुत सारी फीलिंग्स इससे कनेक्टेड होती हैं तो यहाँ खेती होती है आपके गुलाब की भी और गुलाब के आगे आप थोड़ा सा और जाएंगे ये है लहसुन जो सिर्फ विंटर में ही मिलता है अभी जिसको हम हरे कलर का जो ग्रीन लहसुन कहते हैं इसकी हम सब्ज़ी भी बना के खा सकते हैं इसको हम सब्जियों में भी डाल सकते हैं इसके बाद आता है एलोवेरा एलोवेरा आज यू पीपल नो बड़ा अच्छा एक मेडिशनल हर्ब होता है कई सारी चीज़ों में यूज़ होता है दवाइयों में यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है और उसके बाद हम चल के आते हैं अपना कॉरियडर जो विंटर्स में कितना ग्रीन लाविस्ट लग रहा है स्पेनेच, जो विंटर्स में हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होती है और हमारा खून भी बढ़ाती है लर्नर्स अच्छा। यहां मैंने आपको दिखाया कि कैसे आंटी इन सारी चीजों को मेंटेन करती हैं और तपोवन आप यहाँ सब जगह देखें तो आपको ये पूरा ग्रीनरी दिख रही होगी मेरे पीछे भी इस तरफ भी कैमरा लेकर आइए कैमरे में देखें इस तरफ भी ये एक नेचर ट्रैकिंग है आप यहाँ ऊपर भी जा सकते हैं सकते हैं एक किलोमीटर का नेचर ट्रैकिंग है इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस आज मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है सो डू विजिट हेयर सो आई वुड लाइक टू थैंक माय ब्यूटीफुल आंटी आंटी थैंक यू इतना सब बताने के लिए देखिए कितनी प्यारी स्माइल है हमारी आंटी की सो so आंटी को जरूर थैंक यू बोलिए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो तपोवन के ऊपर कैसा लगा